Hello, good morning to all of you. Rizwan Andar Mosnali welcome you in this video. Umeed karte hain aap dost jahan bhi honge khairiyat se honge behtareen honge. To dekhiye mashallah se jitni bhi baatein kahi hain sari ki sari bilkul bullseye aim nishane pe to waise hi ho raha. Aapse kaha tha ki overall series ka to bola hi tha aapse before the series that series is going to end as 4-1. तो आप देखिए उसी तरफ ही 99 पॉइंट कल 99 पॉइंट था अब 99.99% एक्यूरेट हो गई ये वाली बात भी. और आपसे ये कहा था कि पहले दिन के इख्तिताम पे कि जायसवाल को 100 कर लेना चाहिए था क्योंकि अगली बारी उसको मिलनी नहीं है आप और इंडिया एक इनिंग से शायद ये मैच जीत जाए तो वो भी उसी तरफ ही काम चल रहा है. आज तो खैर तीसरा दिन चल रहा है अब तो नजर ही आ रहा है 5 विकेटें गिर चुकी हैं इंग्लैंड की क्लूलेस है वो तो. लेकिन ये पहले दिन के इख्तिताम पे कहा था जब 135 थे के की विकेट गिरी थी जायसवाल की कि भाई अब दोबारा बारी नहीं मिलनी आपको तो अच्छा होता कि अगर आप एक और 100 जड़ देते. एनीवेज और चौथे दिन मैच जाता हुआ नजर भी नहीं आ रहा और कल भी आपसे कहा था कि आपको शायद के चौथा दिन भी देखने को ना मिले इस टेस्ट मैच का तीसरे दिन ही कहानी गोल हो जाए तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है. और एट द मोमेंट ये देखिए पहले सेशन में 2 तो बाकी चलो इंडिया की विकेटें वो तो गिरनी थी आपसे बोला था बहुत हो गया 20-25 रन और ऐड हो जाएंगे वो तो गिरनी थी. लेकिन इंग्लैंड की 5 विकेटें भी गिरी 7 सेशन में गिरी हैं 5 विकेटें इंग्लैंड की गिरी हैं. अश्विन इज ऑल ओवर इंग्लैंड अश्विन ने तबाही मचा के रख दी है. और अभी कोई एक आधा मैच पहले की बात है कुछ दोस्त कहते थे कि अश्विन को रिटायर नहीं हो जाना चाहिए तो मैंने कहा था कि भाई आप इसको हमें दे दें पाकिस्तान को तो हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे गन्ने वाली मशीन में गन्ना गुजारते हैं जब तक ये खेलेगा हम इसको खिलाएंगे इसकी अपनी जब मर्जी होगी जी रिटायर तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है आप ठीक है रिटायर. तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक हीस. और इंग्लैंड डकेट मतलब जिस तरह उसको निकल के खेला था बड़ा एम्बैरेसिंग बोल्ड हुआ. बाकी क्रॉली भी करते कराते एक के बाद एक मिस्टर बेस्टो को कुलदीप खा गया और एंड पे अभी बिल्कुल लंच से पहले जनाब चलते बने लंच करवा दिया 5वीं बॉल में लंच करवा दिया उसने. हाँ तो ये है जी सारी कहानी. तो वो कल पोपे ने लंच कराया था आज इसने लंच करा दिया. लंच करा दिया तो वो इंग्लैंड जो कि कहीं ना कहीं बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट किया था उसने इस सीरीज का और बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट लेने के बाद अभी एंड पे वो उतना ही नीचे डिक्लाइन की तरफ काम जा रहा है. तो अब वो कह रहे हैं कि बस अब हमें घर जाना है बहुत लंबा टूर हो गया है बहुत अब हम वी आर मिसिंग ओवर होम. तो ये है जी सारी कहानी. तो सारी बातें बिल्कुल स्पॉट ऑन आपसे बोला था एक इनिंग से जीतना चाहिए और अगर यहां से एक इनिंग से इंडिया नहीं जीतेगा तो दैट वुड बी डिसअपॉइंटिंग. जी मोहसिन अली साहब प्रोग्राम तो बढ़ गया पूरा ही. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून सत श्री अकाल नमस्कार. रिजवान हैदर साहब ये अश्विन को रिटायर कर दें फर्क हो गया और बोझ है और चलता नहीं है और अपना बिल्कुल फारग है. 13वीं दफा इंडिया में बेन स्टोक्स की विकेट ली है 13 टाइम बेस्ट ओवर्स अनलकी दगे चाहे इंडिया के हक में है इंडिया के खिलाफ पहली दफा है कि रॉड टकर साहब का कोई फैसला जो है इसीलिए बगा जी बहुत गुस्से में गए हैं कि वो कोई फैसला इंडिया के पक्ष में इंडिया के हक में है. लेकिन आई स्टैंड बाय माई वर्ड्स कि ये जो अंपायर्स कॉल है ना ये कोई अच्छी नहीं है. वो लेग स्टंप को क्लिप कर रही थी बॉल मजा नहीं है. देखिए ये मजा किरकिरा हो जाता है जब चले वो तो बात हो ना कि चलो क्लोज मैच हो रहा है तो मैच ही इतना बहुत ही वन साइडेड. देखिए बात ये है क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा है एक गलत डिसीजन जो होता है ना सारा मजा. वो 434 की हार को जो है वो नहीं बर्दाश्त कर रहे थे 434 तो जो क्लोज होती है वो तो वैसे ही अनफॉर्चुनेटली कोई 4 रन का ही सिर्फ इजाफा कर सका इंडिया अपने कल की लीड में 259 की टोटल और 477 पे बुक्ड हो गए. 5 फिर बशीर ले गया देखिए कितनी अच्छी और फास्टेस्ट बन गया
जिसने भी 22 साल का नहीं हुआ और दो दफा पांचे लगा लियो, डेब्यू सीरीज है उसकी। जो लोग कह रहे हैं जी इनएक्सपीरियंस जरूर है, देखिए स्ट्रोक्स को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स गया और हार्टली और बशीर जैसों को उसने पिक किया। रिजल्ट चाहे इंग्लैंड 4-1 हार गया, लेकिन देखिए एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न दे प्रूवन के विकेट मिलती है। जहां तक इंडिया की बात है, कमाल की कप्तानी कर रहा है बुमराह। नहीं तो 500 रन करवा के विकेट लेने का तो फायदा नहीं है ना, फिर विकेट तो ली है उसने 5, लेकिन टीम के 500 करवा दी अगली टीम ना। पहली सीरीज है ना उसकी, विकेट 500 रन दे के ले या 50 रन दे के ले। अजय अग्रेसिव कैप्टन स्टोक्स गॉट एक्सपोज्ड अगेन। भाई देखें बहुत नाम उसका बड़ा था, जैसे जैसे अभी मैंने इंट्रो में एक बात की है कि जैसे जैसे सीरीज का आगाज हुआ था इंग्लैंड, उन्होंने बहुत ही शानदार आगाज किया। पहला मैच जीते, जिस तरह जीते वैसा कभी भी इंडिया नहीं हारा। 190 रन की लीड लेने के बावजूद इंडिया कभी मैच हारा नहीं, हारा पहली दफा मैच हारा था। तो स्टोक्स की कप्तानी, दिस एंड दैट, ये वो, वाह वाह। फिर हमें भी अपने अल्फाज मतलब तारीफ में बदलने पड़े कि भाई इंग्लैंड हम क्या सोच रहे थे कि ये क्या होगा और ये क्या हो गया। लेकिन तब रोहित शर्मा जरा ठंड प्रोग्राम था। जैसे जैसे सीरीज आगे गई है इंडिया की परफॉर्मेंस भी निखर के सामने आई है और इंडियन कैप्टन जो है वो ज्यादा मतलब अच्छा नजर आ रहा है, उसका कद काठ ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, वो 100 पे 100 कर रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल जैसे इंग्लैंड की टीम डिक्लाइन की तरफ गई है, इनका कैप्टन भी उसकी जाती परफॉर्मेंस भी बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ गई है। और अब देखिए क्या परफॉर्मेंस है उसकी पूरी सीरीज में। वो पहले मैच की पहले इनिंग्स में जो रन्स किए थे बस वही, तो अगली जो 7-8 इनिंग्स 9 इनिंग्स खेली है उसमें किसने रन्स करने थे। तो बिल्कुल परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ गई है और क्लूलेस, एब्सोल्युटली क्लूलेस, कुछ पता नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। तो खाली एक नाम का हवा से ही बना रहा है बेन स्टोक्स एज अ ऑलराउंडर। तो खैर अभी उसने विकेट ही मतलब बॉलिंग इसमें की है, एज अ बैट्समैन ही कहेंगे, और एज अ कैप्टन, कैप्टन बीच बीच में चलो ठीक है थोड़ा सा ठीक है तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन बैटिंग में तो उसने भी बहुत लेट डाउन किया अपनी टीम को। तो अग्रेसिव कैप्टन मतलब क्या अग्रेसिव परफॉर्मेंस है, कुछ नहीं। ब्रेसो क्या बोल रहा था जी, स्लैजिंग हो रही थी क्या गुरपिंदर सिंह? स्लैजिंग नहीं हो रही थी मेरे ख्याल है, उसने अंपायर डिसीजन पे ही वाज नॉट हैप्पी आई गेस। स्लैजिंग वो क्या करेगा बेचारा, 100 टेस्ट मैच था, ही वांटेड टू एक्चुअली, रोहित का फील्ड में नहीं आया वो, फिर भी सैन ने भी कंफर्म किया स्टिफ बैक है उसकी, काली लोग नजर लगा रहे थे, वर्ल्ड कप से एशिया कप से खेली जा रहा है, कोई वो नहीं है, लोग फिटनेस की बात उन्होंने कहा अच्छा ठहर जाओ, ये भी बड़ा मसला होता है ना। एनीवेज बुमराह अच्छी कप्तानी कर रहा है, अपने साथ उसने अश्विन लगाया और अश्विन ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, लेकिन फिर लगातार 8 ओवर जो करवाए ना, तो बग्गा जी ने फिर ऊपर नीचे 2 छक्के फिर तीसरा भी छक्का लगाया, अच्छा बग्गा अटैक कर रहा था, लेकिन फिर कुलदीप को फाइनली लगाया और फिर कुलदीप ने आते ही विकेट लिया, अश्विन को वापस लाया ऑन द स्ट्रोक ऑफ लंच एंड टाटा बाय बाय। 13th टाइम, 13वीं दफा इंडिया में बेन स्टोक्स जो है और फेयर एंड स्क्वायर, क्लीन बोल्ड पे तो आप नहीं कहेंगे ना पांव पे लगी या नाक पे लगी या हाथ पे लगी या मुंह पे लगी, क्लीन बोल्ड किया बेन स्टोक्स को। क्रॉली पहली दफा इस सीरीज में वनडे पे आउट हुआ है और रेयर फेलियर, वरना हर इनिंग में एक इनिंग छोड़ के वो 70s में जा रहा था। अमिताभ कुमार 500 एंडरसन की आपको बोला था कर लेगा जी, शायद यही है खुशी की बात है इंग्लैंड के लिए और एंडरसन के लिए इस मैच में, बाकी तो कुछ है नहीं। देखिए 700 विकेटें बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी, ये शायद कि दोबारा हम कभी होता हुआ ना देखें। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह लोगों का इंटरेस्ट कम है और फास्ट बॉलर कोई 700 विकेटें ले जाए, अब इसी से आप अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लीजिए कि पता नहीं 200 विकेटें लास्ट टाइम किस बॉलर ने ली थी, 200 विकेटें ही नहीं ली किसी ने, 2010 के बाद नहीं ली, कितने मतलब साल हो गए हैं, कोई 15-18 साल हो गए किसी एक
फास्ट बॉलर ने 200 टेस्ट की विकेट नहीं ली, वो अगला 700 विकेट ले गया। तो हमारे तो 25-26 साल में कहते हैं जी ठीक है हमने टेस्ट नहीं खेलना, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वो टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट है यार, सैल्यूट है जी आपको 42 साल की एज में एंडरसन साहब खेलने। लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एज हम बात करें मैच की सिनेरियो पे, तो सिर्फ इंग्लैंड के लिए यही खुशी की बात है कि 700वीं विकेट हासिल करने में कामयाब हो गया ये एंडरसन, और उनके लिए इस मैच में कोई बात नहीं है कि जिसपे वो थोड़ी सी भी खुशी मना सकें, और कोई भी ऐसा कोई खुशी का मौका उनके लिए नहीं। सो दे आर इन अ वेरी हॉरिबल हॉरिबल सिचुएशन, और आपसे कहा था कि एक इनिंग्स से ये मैच जीतना चाहिए इंडिया को, तो दे आर गोइंग टू डू दिस। अभी लोग कह रहे थे ना कितना काफी होगा एक इनिंग्स के लिए, तो मैं कहा था 300 के करीब जो होता है वो मैजिकल फिगर होता है, 255-60 भी बहुत था। इंग्लैंड का मन नहीं अब खेलने का, मम्मी की याद है, ऐसे ही है भाई बिल्कुल। आई जस्ट सेड अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर द इंट्रो, अब वो उनका दिल भर चुका है, नाउ दे वांट टू गो बैक होम, अब वो वाली एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही, वो वाली परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, वो वाली अर्ज नजर नहीं आ रही दिखाने की, परफॉर्मेंस करने की, या तो स्किल सेट में अब वाज़े फर्क नजर आ रहा है। पहले दो मैचों में कम्पीट हुआ, फिर चौथे में भी कम्पीट हुआ, लेकिन तीसरे में और खास करके आखिरी वाले में तो कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा, और एब्सोल्युटली वन साइडेड अफेयर चल रहा है, और वन साइडेड अफेयर अच्छे नहीं होते वैसे। मेरा खैर वन साइडेड अफेयर कभी नहीं हुआ, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि वन साइडेड अफेयर अच्छे नहीं होते। मेरे एक दोस्त का वन साइडेड अफेयर हो गया था यूनिवर्सिटी में, तो वो बेचारा गंजा हो गया था 6 महीने के अंदर अंदर ही। तो वन साइडेड जो अफेयर है वो ठीक नहीं होते, लेकिन मजा भी नहीं आता देखने का। अब ये वाला जो मैच है ये तो उसी तरफ ही जा रहा है, बिल्कुल ही वन साइडेड काम हो गया। आशीष साहब कह रहे हैं मोसेस आर एक्सपोज वंस अगेन, ही इज नेवर हैप्पी विद एनी टीम परफॉर्मेंस, ही ऑलवेज पॉइंट्स आउट एट यूजलेस इश्यूज, यस्टरडेज क्रिटिसाइज इन इंडिया फॉर लेस लीड। आशीष साहब कह रहे हैं जी आप कभी भी मुतमइन नहीं होते, ठीक है भाई जान, आपको पता लग गया एक्सपोज का रिजल्ट भी जल्द आपको मिल जाएगा, फिक्र ना करें। एडी साहब कह रहे हैं इट्स फनी टू सी दैट इवन दो इंडिया इज 3-1 दे आर गोइंग 4-1 येट इंग्लैंड इंग्लिश एक्स प्लेयर्स आर जर्नलिस्ट क्लेमिंग दैट इंग्लैंड इज अ बेटर टीम ऑन पेपर, दे आर विनिंग मॉरली, दे वन ऑन पेपर, माइंड गेम्स। नहीं, सीरीज बढ़ गई 4-1 से, प्रोग्राम पूरा बढ़ गया, तो अब माइंड गेम्स क्या खेलनी है? माइंड गेम्स तो होना कि जी चलो जी 10 मैच की सीरीज है, या इसके फौरन बाद इंडिया ने जाना है इंग्लैंड और 5 मैच वहां पे खेले जाएंगे, तो माहौल एक बनाया जा रहा है जी माइंड गेम वगैरह। मतलब वो माइंड गेम क्या है उसका करना है कि जब 4-1 से अब सीरीज हार गई है, तो ऐसे माइंड गेम का क्या फायदा? देखिए अब आई डोंट नो कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, इस परफॉर्मेंस को कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है। ठीक है, सिर्फ पहले मैच की हद तक आप बोले कि उन्होंने कर दिया कमाल जो आज तक नहीं हुआ था, लेकिन फिर इसी सीरीज में 434 रन का फटका भी लगा, 434 रन रिकॉर्ड रन से हारे भी हुआ, तो वो बात भी याद रखें आप। आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट, कि जो भी बात आपने किसी का चूंकि नाम नहीं लिखा कि किसने क्या बात की है, इसलिए मैं ज्यादा उस पर क्या बात करूं, बट आई अंडरस्टैंड। और इनकी आदत है उन्होंने धोनी की, सुनील गावस्कर साहब ने बिफोर द सीरीज भी ये बोला था कि अब उनसे सीरीज है कि जिनका मीडिया सब कुछ मतलब बहुत रोते धोते हैं, वो तो परफॉर्मेंस इनकी इस काबिल है नहीं कि अब ये सीना चौड़ा करके भी बताएं जी हमने इंडिया में जाके तो बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली है, खेली है बस पहले दो मैचेस में और तीसरे चौथे वाले में, तीसरे में तो इतनी धुलाई हुई 434 रन से हारे हो, और ये वाला मैच भी एट द मोमेंट तो ऐसे ही लग रहा है जैसे आपसे कहा था पहले दिन के अख्तितम पर के, तो इनिंग्स की डिफीट आ रही है, तो इनिंग्स की डिफीट ही आ रही है इसमें, तो अब यहाँ पे क्या माइंड गेम खेलनी है, सब कुछ माइंड सेट तो सब कुछ तो फारग हो गया। वो भाई साहब जो फरमा रहे थे देखे फ्रॉम अ फॉर्मिडेबल इट लुक लाइक अ फॉर्मिडेबल 350 लीड 259 वो भी 9वीं विकेट में 45+ रन की पार्टनरशिप, अगर आपको ये चीजें
समझ नहीं आती, आपको मीठा मीठा चाहिए, मीठे मीठे वाले बहुत होंगे। आपको अश्विन का एक एक प्लेयर, रोहित शर्मा, अश्विन, एवरी प्लेयर का बताया कौन क्या करेगा। 1-0 से हार के बाद हर बल आपके अपने, तो पता नहीं आप कौन से चैनल्स देखते हैं, क्या देखते हैं, मेरी समझ से बाहर है। वो तो 5-0 करा रहे थे, आपके अपने तो कह रहे थे अब उठना मुश्किल है। बड़े बड़े पंडित जो है क्रिकेट के अपने आप को सो कॉल्ड, वो तेज भाग रहे थे। तो जो जो आपको बताते आए हैं बगैर किसी मक्खन के, बगैर किसी पनीर के, अगर आप इस 259 की लीड को समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल सही लीड है, तो आपने मेरा ख्याल है मैच देखा नहीं है, स्कोर कार्ड देखा है। नहीं, लीड तो चलो अगर इसी लीड के अंदर अंदर भी आउट हो जाए इंग्लैंड, तो फिर तो जाहिर है कि लीड ठीक है। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, और कल मैंने आपके पॉइंट को बैक भी किया था कि जब आप इतनी अच्छी पोजीशन पे हैं तो इंसान चाहता है थोड़ा सा और ग्रीडी हो जाए, थोड़े और रन आ जाते, थोड़ा और अच्छा आगे ले जाते, और इतना अच्छा खेल लेते, सरफराज ने विकेट थ्रो कर दिया और ये करते कराते, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। ओवरऑल अगर आप देखें तो बात कल भी यही हम कर रहे थे, और मैंने आपसे कहा था कि जितने रन हैं उसमें से 15-20-25 रन और आ जाएंगे, वो खैर वो आए नहीं, 4-5 रन, तो उसी के 259 पे काम तमाम हो गया। लेकिन फिर भी आपसे कहा था कि उतने भी काफी ही होंगे। अब ये वाली इंग्लैंड, वो वाली स्पिरिटेड किस्म की इंग्लैंड नजर नहीं आ रही कि जो कि पहले मैच में जिसका मोरल जरा हाई था, तो इसके लिए 250 भी बहुत है, 250 के अंदर अंदर भी ये निपट जाएंगे। और जिस तरह ये क्लूलेस नजर है आ रहे हैं अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन ऑफ इंडिया, पहले इनिंग में कुलदीप खा गया, अभी अश्विन खा गया। कुलदीप जाहिर है कि अश्विन को पहले चांस मिला तो उसने पहले अपना हाथ साफ कर लिया। अगर वो कुलदीप को पहले चांस मिलता तो शायद वो भी उसी तरह ही हुई, उसकी इतने विकटें होती, तो ये तो क्लूलेस हैं अभी। तो 250 भी इनके लिए काफी है, इनका बिल्कुल ये थक थका गए हैं। और अब नजर आ रहा है कि इंडिया का जो स्किल सेट है वो सही मानों में, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिफोर द सीरीज कि वैसा इनको रगड़ा लगेगा, तो वैसा ही रगड़ा लग रहा है इस मैच में भी, आप देख लीजिए, और तीसरे वाले मैच में भी, तो बिल्कुल कोई हाल नहीं है इनका, हाल बड़ा बेहाल है। बेसबॉल इज अ स्मोक स्क्रीन दैट हाइड्स फ्लॉज एंड लॉजिक। वेल, इफ यू आर टॉकिंग इन इंडिया, तो फिर तो मैंने आपको अब रट जाना चाहिए आपको वो लिटमस टेस्ट वाली बात। तो इंडिया के खिलाफ तो परफॉर्मेंस में देखें आप जज करें तो सही है आपकी मर्जी, लेकिन इंडिया में आके इंडिया को हराना, ये आखिरी टेस्ट है किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड का, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया बन जाए, साउथ अफ्रीका बन जाए, न्यूजीलैंड, या ये जो गए हुए हैं इंग्लैंड वाले, जो जितनी भी अच्छी मर्जी तगड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बन जाए, तो आखिरी जो टेस्ट है आपकी स्ट्रेंथ को चेक करने का वो इंडिया है, कि आप इंडिया में जाके क्या इंडिया को चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, और अगर हरा सकते हैं तो दैट इज योर अल्टीमेट ग्लोरी एंड दैट इज योर अल्टीमेट टेस्ट। तो अगर कोई अल्टीमेट टेस्ट में फेल हो जाए तो आप आपकी मर्जी है कि आप उन पे लेबल लगा देंगे ये बिल्कुल बकवास है, या बोलेंगे यार चलो ठीक है यू आर गुड इनफ, दूसरों को आप हरा रहे हो अच्छी बात है, अगली दफा और तैयारी करके आना। तो ये तो आप दोनों तरफ के एंगल की बात है कि आप किस तरह देखते हैं। गुरपिंदर सिंह का जनाब, जितने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 127-10 हुआ था, इंग्लैंड भी उधर जा रहा है जी, क्या भाई क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? वर्ल्ड कप में 127 पे, अच्छा वो 127 तो नहीं, मेरे ख्याल हमने 130 किया था जिम्बाब्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप 2022 T20 का, मेरा ख्याल है अगर ये कह रहे हैं तो। भाई जान पता नहीं तुसी केड़ियां गल्लां कर रहे हो राहुल साहब, और कह रहे हैं अश्विन अगर 150 टेस्ट खेला तो 800 ले जाएगा आप जी विकेट। लेट्स सी, को खिलाते ही नहीं है आप, सिर्फ घर में, वो भी जहां पे फंस जाता है वहां पे अश्विन बाहर हो जाता है बेचारा। इसको आपने वो बैकिंग नहीं दी जो बैकिंग नेथन लाइन को मिली है, अश्विन को मिलती तो आज अश्विन की 700 विकेटें होनी थी, 600-700। अश्विन को देखें अभी
ज्यादा हुआ तो 3-4 साल और खेल जाएगा। तो इंडिया 1 साल में वैसे मैच तो खेलता है, 15 से 18-20 मैच तो खेलता ही है। आई मीन जो 2 साल का साइकिल होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, तो उसमें लगा के अगर सारे मैच भी खेले तो 150 नहीं बनते, तो मुश्किल हो जाएगा। 600 तक चला जाएगा। अरुण कह रहे हैं गिल को देख के कोहली की याद आ गई जी, हाँ, बहुत इनका बेस्ट। डायलॉग हुआ है आपस में दोनों का ना, उसको पूछता है बेस्ट व्हाट डिड यू से टू जिमी अबाउट गेटिंग टायर्ड एंड ही गॉट यू आउट आफ्टर दैट गिल, सो व्हाट इट वाज आफ्टर 100, हाउ मैनी यू गेट हेयर गॉट हेयर बेस्ट, हाउ मैनी यू हैव इन इंग्लैंड सरफराज, थोड़ा सा रन क्या बंदा जया उछल रहा है ये। हाँ तो बस ऑफ द फील्ड भी चल रही हैं बातें। फीलिंग नॉस्टैल्जिक अबाउट अली नकवी सर हु स्कोर्ड सेंचुरीज इन होम सीरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका इन 1997, बट ही डिडंट प्ले लॉन्ग। अजहर महमूद टू डेब्यूटेड इन द सेम सीरीज। जी अजहर का अच्छा था डेब्यू, साउथ अफ्रीका वगैरह के खिलाफ अच्छे शॉट किए थे इसने, वनडे में भी चिपक गया था और टेस्ट में भी। अच्छा जी, योर टेक ऑन फोर्सेस ट्रेनिंग पाकिस्तान टीम, आई वाज रॉन्ग अबाउट अश्विन ऑन विच यू सेड गिव हिम टू मी। अच्छा वो आपने कहा था, मैं अभी अभी मैं आप ही को याद कर रहा था, अभी इंट्रो में ही मैं आपको याद कर रहा था कि मनीष साहब कि कोई दोस्त सुपर चैट में भी पूछ रहे थे कि अश्विन को अब रिटायर हो जाना चाहिए, अब यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए। तो आपके सवाल के जवाब में ही कहा था कि हमारे पास तो कोई ऐसा कोई है नहीं, कोई क्वालिटी स्पिनर्स आ नहीं रहे, तो आप अश्विन को हमें दे दीजिए, बाकी जो उसमें रहेगी है क्रिकेट तो हम उसको तब तक खिलाएंगे जब तक कि वो खुद ना कहे कि नहीं बस जी। तो कदर किया करें अपने प्लेयर्स की। आफ्टर बिफोर प्लेइंग 100 टेस्ट मैचेस ने 500 विकेट कंप्लीट की हैं, ओनली सेकेंड आफ्टर मुरलीधरन, तो कुछ तो खास है उसमें कि ऐसा हुआ है। तो एक्सेप्शनल बॉलर है, एक्सेप्शनल माइंड है उसका, आई एब्सोल्युटली लव द वे ही बॉल्स, और अच्छा हैंडी क्रिकेटर है, बहुत ही लाजवाब। बाकी आपने बोला कि जी ट्रेनिंग पाकिस्तान आर्मी जो वो ट्रेन करेगी, तो उसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुका हूँ पहले कि इनको एक प्रोफेशनल फॉरेन क्वालिफाइड जिसका ये काम है प्लेयर्स को ट्रेन करना, क्या गजा खाएं, क्या खुराक खाएं, कितनी खाएं, क्या ट्रेनिंग करें, किस तरह करें, बजाय इसके कि 1960-70 वाली के जनाब आप ग्राउंड के 20-20 चक्कर लगाओ, बैठ के निकालो, डंडे निकालो, रस्से ऊपर चढ़ो, क्रॉलिंग करो, ये करो, इन्होंने जंग थोड़ी लड़नी है। तो जो प्रोफेशनल जो है ट्रेनर उन्हीं से ट्रेनिंग करवानी चाहिए। अब हर चीज में आर्मी को घुसाने की भी जरूरत नहीं है, अब दुनिया की और कितनी टीमें हैं जिनको जनाब उनकी आर्मी ट्रेन कर रही है, तो ये फैसिनेशन कम होनी चाहिए, जो प्रोफेशनल है उन्हीं के हवाले करना चाहिए, जो स्टडी करके आए हैं 4-5 साल इसी पे। तो कोई अपनी पैसे दे, इतनी इतनी तनख्वाह खुद लेते हैं, कोई जो बाहर से बुला रहे हैं उनको दें कोई 10-12-15 हज़ार डॉलर पर महीने के, तो जो इधर उधर आपस में जो इन्होंने बांटे हुए हैं तो उनको बुलाएं, ट्रेनिंग करवाएं, अपना माहौल बनाएं। ऐसा थोड़ी है कि जी आर्मी वालों की ये सुनेंगे तो उनकी नहीं सुनेंगे, तो आप सुनता इंसान सभी की है कि अगर आप अच्छा प्रॉपर तरीके से उनको लेके चलें। तो मेरा तो ये टेक है सीधा सीधा, तो लेट्स सी। अच्छा जी रिजवान भाई कैन आल्सो टेक 5 विकेट्स इन 50 ओवर्स, कैन क्या मतलब विशाल वासुलाल साहब, रिजवान भाई कैन आल्सो टेक 5 विकेट्स इन, मतलब मैं विकेट ले सकता हूँ, 5 विकेट ले सकता हूँ 50 ओवर में, मुझे तो नहीं पता था, आप ही ने बताया अभी अभी। सेकंड टेस्ट के बाद जब से दुबई से वापस आए हैं इंग्लैंड वाले कमजोर हो गए हैं, 2-3 पाकिस्तान के टिकटॉकर के साथ भी फोटो आई हुई है जी, टोल्ड प्रैक्टिस मस्ट गो रॉन्ग। नहीं 2 टेस्ट के बाद जब आए थे, तीसरे वाले में तो बिल्कुल ठुस थे, चौथे में फिर भी परफॉर्मेंस आई है, लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वो पहले मैच से पहले भी दुबई से ही होके आए थे कि जो कि वो जीत गए हैं, तो उस समय भी वो दुबई में ही उन्होंने कैंप लगाया हुआ था। तो
कैंप तो इन्होंने काफी लगाए हैं इधर उधर, परफॉर्मेंस कोई नहीं आई। अमन सिंह साहब कह रहे हैं, हेलो, लाइफ विल बी अ बिट बोरिंग फॉर अ फ्यू डेज विदाउट टेस्ट क्रिकेट एंड योर कवरेज। थैंकफुली आईपीएल इज नॉट फार, बाय द वे मौसम इज लुकिंग डैशिंग इन दैट जैकेट। अमन सिंह थैंक यू साहब, वेरी मच। ये बात सच है। आप देखिए, मैं भी काफी दिनों के बाद फॉर्म में आया था। डेली 5-7 घंटे पिंडी स्टेडियम और आगे पीछे लोगों से मिलना मिलाना, तो आज ब्रेक आ गया, कल लास्ट डे है, तो वाकई मजा नहीं आता। जब कोई एक आप एंजॉय करना शुरू करते हैं, पर ये ही लाइफ है भाई। जब आईपीएल आएगा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट रुक जाएगी। उधर न्यूजीलैंड ने भी बड़ा जबरदस्त फाइट बैक किया, 96 की लीड कंसीड करके 124 कर गए हैं, 51 करके विलियमसन आउट हो गया। वो लैथम खेल रहा है, साथ में उसके वो बच्चा खेल रहा है रचिन, और 7 विकेटें मैट हेनरी ले गया, 90 लबुशैन कर गया। तो ये लाइफ तो फिर इसी तरह चलती है। आज बांग्लादेश श्रीलंका का तीसरा मैच है, तो ये ऐसे ही है। और कराची में आज मैच है पीएसएल कराची का। लगा। अमन अमन साहब, बात तो ऐसे ही आपकी ठीक ही है कि लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। आई एम ह्यूज फैन ऑफ टेस्ट क्रिकेट। पाकिस्तान का भी अभी रिसेंटली कोई नहीं है। अभी चलो ये पीएसएल वाला चल रहा है और इसके बाद फिर आईपीएल शुरू हो जाएगा, और जब आईपीएल होता है फिर आपको पता ही है कि तब तो इंटरनेशनल क्रिकेट भी रुक जाती है, तो यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू जस्ट वॉच आईपीएल मैचेस। तो लोग उस पे बोलते हैं कि अभी भी कह रहे हैं कि जी आप आईपीएल के मिड इनिंग्स की भी कोई नहीं करते, रूटीन बड़ी टफ हो जाती है ना सुबह से, मतलब उठ के ये पूरा दिन और फिर उसके भी सारे मैचेस। अभी आगे प्ले ऑफ वगैरह में शायद कर लें मिड इनिंग्स वगैरह भी, बट द पॉइंट इज, ये मेजर पॉइंट है कि जब आईपीएल हो रहा होता है तब कोई और लीग नहीं हो रही होती, लेकिन बाकी जब एक टाइम पे तीन तीन चार चार लीग हो रही होती। वुड यू बिलीव, ये साउथ अफ्रीका वाली, ये यूएई वाली, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ये एक ही टाइम पे तीनों तीनों लीगें चल रही हैं। खैर पाकिस्तान की भी अभी चल रही है आजकल, लेकिन साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट भी चल रही है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है। लेकिन आई एम ह्यूज फैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मुझे ज्यादा एंजॉय करता हूँ मैं। हैदर भाई, मोहसिन भाई, लव फ्रॉम इंडिया जी, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बहुत शुक्रिया जी बहुत आपका। शुक्रिया। और इफ बेयरस्टो कैन प्ले 100 टेस्ट देन आई थिंक आई कैन टू। इतने चांसेस तो मेडियोकर टेस्ट प्लेयर बैटिंग एट नंबर 5 विद एन एवरेज ऑफ 35, टाइम फॉर हैरी ब्रुक टू टेक ओवर फ्रॉम हिम। जॉनी वेरी गुड इन ओडीआई। संदीप आनंद, जॉनी बेस्टो, ही हैड अ मेमोरेबल ईयर इन 2022, 4 या 5 ओवर इसने किए थे। और अगर आपको याद हो कि जब 370 इसने इंग्लैंड ने चेज कर गया था इंडिया के खिलाफ, 70 या 80 जो भी था, उन दिनों मैं तो खैर छुट्टी पे था, तुर्की गया हुआ था घूमने फिरने, तो इसने भी 100 किया था, रूट ने भी 100 किया था, और बाकी भी जो विजिटिंग साइड्स थी उनके खिलाफ इसने 3-4 100 किए थे, बहुत अच्छी फॉर्म में था। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ तो ये 35 वाले की मतलब बेइज्जती होती रहती है। अब क्या राहुल, देखो कि 50 मैच हो गए हैं, अभी भी वो वेंकटेश प्रसाद एक दो मैच में परफॉर्म न करे ट्वीट डाल देते हैं कि और कोई इंडियन दिखाओ जो 35 की एवरेज के साथ इतने मैच खेल गया। बात भी ठीक है भाई, एक लेगेसी है कि 50 की एवरेज के आपके बैट्समैन खेलते हैं, ये क्या कहते हैं, सहवाग 50 की एवरेज से एज अ ओपनर खेल के गया, बाकी सारे नीचे 50 के ऊपर ही हैं, ये द्रविड़, ये सचिन, आगे गंगुली और लक्ष्मण वगैरह। तो ये 35 वाली एवरेज वाले कैसे सरवाइव कर रहे हैं 50 टेस्ट मैच, हमारे यहाँ तो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनके यहाँ अब है ये। अब ये डकेट के मैच, ये क्या पोप के मैच देख लें, ठीक ठाक मैच खेल गया, एवरेज वही है मिड 30s। ऊपर से क्रॉली की भी यही है, अभी एशेज तक उसकी 30 की एवरेज थी, अभी शायद वो मिड 30s में। तो उनका भाई यही कल्चर है मिड 30 वाला। सिर्फ रूट एक एक्सेप्शनल है कि जो 50 को छू के बैटिंग कर रहा है, वरना आप बताइए कि उनका कोई और है कि जिसकी 50 की है, तो रूट ही रूट है। बाकी जितने भी हैं उनके यही है मिड 30s वाले, कि इतनी इतनी एवरेज के साथ ही वो खेल रहे हैं, और शायद कि अब आगे आने वाले कोई अच्छे कोई एक्सेप्शनल मिल जाए। लेकिन आपको मैंने क्रॉली का नाम लिया, डकेट का नाम लिया, पोप का आपको बताया, अभी ये बेस्टो का आपको बताया, अब जो इनको ज्वाइन मतलब निकाल के एक दो कोई बाहर भी हैं, तो उनका यही है, तो इसी एवरेज के साथ ही वो खेल रहे हैं।
लेकिन ये डेंजरस था इंग्लैंड में, तो इंडिया में ये नहीं चल पाया, तो इसलिए ब्रुक होता तो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा बेहतर करता। आई थिंक ही इज बेटर बैट्समैन अगेंस्ट स्पिनर्स रादर देन दिस गाय। तो वहां 35 चल जाता है, यहाँ पे 35 वाले को कहते वाह वाह कोई बात नहीं। Why do journalists ask political question to sportsman? Sir, Naseem Shah brother interview, he gave good reply. Manish sir. जी उस पे बड़ी लंबी बात हुई है, मतलब काफी डिबेट भी हुई है उसके ऊपर बाद में, पीसीबी और जिन्होंने किया था। और मैं मेरा भी जाती ये ख्याल है कि देखे वो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स के सवाल करने चाहिए। हाँ जी, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स के सवाल करना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। आप स्पोर्ट्समैन से पॉलिटिकल सवाल करने की आपको जरूरत नहीं है। रेडी साहब कहेंगे जनाब, हाय रिजवान मोहसिन भाई, यू गाइस आर ग्रेट जी, ग्रेट प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच। और कह रहे हैं यस्टरडेज पॉइंट बाय मोहसिन भाई वाज वैलिड दैट ही कुड हैव बीन अ रिपीट ऑफ हैदराबाद विद अ बिग पार्टनरशिप एवरी डेज ना। जी मैंने एक्सप्लेन किया था कि मोहसिन साहब क्या कहना चाह रहे हैं, कल मैंने उस पर फिर आपको एग्जाम्पल भी दी थी कि अगर सिर्फ 215-20 की लीड हो और अगर वो 100 रन कर जाए एक आधा ही आउट हो तो फिर आप थोड़ा सा उस पॉइंट पे आ सकते हैं कि यार वो ही वाला काम तो नहीं हो रहा। लेकिन साथ ही आपसे ये भी कहा था कि 250 की मैसिव लीड है और 55 की, और इसमें जितने भी रन और थोड़े बहुत ऐड हो जाएंगे 15-20-25 whatever, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे है इंडिया। देयर इज अ वेरी ब्राइट चांस दैट इंडिया एक इनिंग से ये मैच जीत जाएगा। और ये तो पहले दिन के इख्तिताम पे आपसे बोल दिया था ना कि जायसवाल को दोबारा मौका नहीं मिलेगा इस मैच में बैटिंग करने का, तो उसका क्या मतलब था, कोई उसका बल्ला चुरा के ले जाएगा? उसका मतलब यही था कि भाई जरूरत महसूस नहीं होगी या रोहित शर्मा उसे ओपनिंग नहीं कराएगा। या तो बात समझने वाली होती है ना, पहले दिन के इख्तिताम पे जब इंडिया ने 135 पे एक आउट था, जायसवाल 56 करके आउट हो गया था, तो हम जब बात करने आए थे, तज्जिया कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, तो आपसे बोला था कि ही हैड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी के जाते जाते और भी माल लूट लेता, अच्छा सेट था, अच्छी बैटिंग कर रहा था, क्योंकि अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा बैटिंग का। तो उसका जैसे मैंने भी कहा कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी कि कोई उसका कोई किट बैग कोई छुपा देता कि वो अब क्या करें, बल्ला नहीं मिल रहा, पैड नहीं मिल रहे, अब मैं क्या बैटिंग करूं। तो उसका मतलब यही था कहने का कि अब इंडिया इस पोजिशन में आ जाएगा इस मैच में कि वो अब दोबारा जायसवाल की बैटिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो ओपनिंग करता है, तो ओपनिंग की बारी तो तब आएगी कि जब इंग्लैंड मुकाबला करके कुछ ना कुछ टारगेट देगा, तो जब टारगेट ही नहीं मिलेगा या तो फिर क्या बैटिंग करेगा। और वो फिर कल स्टैंप लग गई कि भाई 255 रन की तो ऊपर मैसिव लीड चढ़ गई है, और इस पिच पे इंग्लैंड से बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा हो पाए। सो लेट्स सी, अब आपके सामने ही है, बिल्कुल एज प्रेडिक्टेड एज सेड, एब्सोल्युटली वैसे ही हुआ। और ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बिफोर द अब कोई दोस्त जो हमारी वीडियोस देखता रहता है, मैच से एक दो दिन पहले वाली पे इस पे डिस्कशन हुई थी, तो अगर कोई वो क्लिप निकाल के बता सकता है कि कहाँ पे है क्या है। वैसे ये मोहसिन भाई इस काम में तेज है, ये किसी की कोई ड्यूटी लगाएं कि वो निकाल के डालें। तो यार हमारे वीडियो एडिटेड नहीं होते ना, एडिटेड नहीं होते, फ्रॉडी नहीं होती। तो जैसे आपने कहा भाई प्रेडिक्शन का, तो पहले मैच की पहली गेंद से पहले आपसे बोला था 4-1 रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट 100% हो गया ना, बिल्कुल 100% एक्यूरेट। तो कल वाली बात भी और परसों वाली बात भी तो बिल्कुल एक्यूरेट। और ऐसा नहीं कि 10 बातें की हैं और उसमें से 3-4 ठीक हो गई हैं, 5-6 गलत हो गई हैं, तो जो 5-6 गलत हो गई हैं वो साइड लाइन पे हो गई हैं, और जो 2-3 ठीक हो गई रोहित शर्मा किसी के बाप ने नहीं कहा था कि इस सीरीज में फॉर्म में आएगा। अश्विन का किसी ने नहीं कहा था कि अश्विन जो है ये कर जाएगा, सबने उसको रूल आउट कर दिया था, रूल आउट। कुलदीप देख ले ऐसा ही है, तो इट्स वेरी इजी। रात को टाइम बताते थे इतने बजे मैच देखेंगे तो ये होगा, रात को टाइम बताते थे।
इट्स क्वाइट इजी टू कवर एवरीथिंग जस्ट टू प्रेडिक्ट 10 थिंग्स, उसमें से दो तीन हो जाए ठीक, उसी को आप बार बार बोलते रहे, ऐसा नहीं होता, तो सुनने वालों को भी पता चल जाता। किया साहब काफी अरसे के बाद तशरीफ लाए हैं। हाय सर, हाउ आर यू बोथ आफ्टर लॉन्ग टाइम, आई एम हियर विद यू। सर वंस साइडेड अफेयर में या तो आदमी आसमान को टच कर लेता है या किसी काम या किसी का नहीं, नहीं रहता। हाँ तो वो दोस्त था ना मेरा, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में हमारा भी मजा खराब किया, हमेशा उदास शक्ल लटका के फिरता रहता था, वो जिस पे उसका दिल था वो किसी और के साथ फिरती थी, तो बस उस टेंशन में उसके मतलब जवानी भी बाल चले गए, तो बड़ी मतलब ये कोई बेकार सी, मुझे तो ये पसंद नहीं है वन साइडेड अफेयर। तो आपने सही कहा आपने भी। मोहसिन सर आज आप प्रेशर में है, टेंस लग रहे हैं आप, क्या वजह जी? प्रवीण शर्मा आज तो मैं सुकून में हूँ, आज मजा नहीं आ रहा ना, एक्चुअली आई एम नॉट एक्साइटेड कि आज जाना पिंडी स्टेडियम एंड दिस दैट और वहां पे चोरों को और लुटेरों को एक्सपोज करना, क्योंकि मैं आई एम द बेस्ट इन दैट। ये टीवी है, ये यूट्यूब पे बैठ के दो नंबर आईडी बना के नहीं, फील्ड में जाके। वो शायद ये कह रहे हैं कि आप कोई बहुत जोश जज्बे से तज़िया नहीं कर रहे, टिले टिले बैठे हुए हैं, तो वो शायद जोश जज्बा वहां जरूरत पड़ता है जो आपने कहा ना हो, कवर अप करना पड़ जाता हो, या जहां पे अकॉर्डिंगली ना हो रहा हो, गुस्सा आ रहा आपको, जब आप जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड एज पर स्क्रिप्ट एज पर मेडिसिन चल रहा है, तो मैं क्यों इसमें अपनी, हम दो नंबरी नहीं करते ना। मैं दसा कि मैं सुल्तान राही हाँ, दसण की लोड़ नहीं, मैं वहां मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। देखिए इंडिया वही कर रहा है जो इंडिया, रिजवान साहब ने टेस्ट सीरीज से पहले, मैं आपको वो सारे क्लिप दे दूंगा, आप देख लें, इन्होंने 4-1 का 4-1 हुआ, 1-0 देखे उस टेस्ट, पहले टेस्ट के दौरान आपको पता है कि हॉस्पिटलाइज हुई मेरी भाभी, फिर उनकी डेथ हो गई, तो आई वॉज नॉट एबल टू फॉलो द मैच। हाँ मैं लास्ट डे आया तो मैंने 230 देखा, मुझे लगा इंडिया 5 विकेटों से ये जीत जाएगा, और जब आपकी इतनी तगड़ी ओपनिंग लग जाए उसके बाद आप वो टेस्ट हार जाए, तो खैर एक टेस्ट मैच का जो गैप था वो पहले ही था, उसके बाद कई लोग आसमान पे थे, बड़े बड़े अपने आप को जर्नलिस्ट जो मानते हैं, यूट्यूबरियों की तो बात ही ना करें, और वो रोहित शर्मा बेकार, रोहित शर्मा ये, वो सारे दफन हो गए, अश्विन बेकार, फलाना दफन हो गए, इंडिया की क्रिकेट ने जेफरी बॉयकॉट, माइकल वॉन, ब्रॉड, केविन पीटरसन से लेके तमाम को अबदी नींद जिसे कहते हैं ना, रेस्ट इन पीस। सब कह रहे हैं batters like Jaiswal, Sarfraz and Jurail are the future of Indian test cricket, but they need to learn not to give their wickets, thanks to Rohit and Gill 100. You are absolutely spot on, and we have mentioned this in yesterday's video, I think, ki ab aur maine aapse kaha bhi tha कि 80 या 90 के स्ट्राइक रेट से आपका 50 की बजाय बेहतर है कि आप 55 और 60 के स्ट्राइक रेट से 100 कर जाएं सरफराज के लिए, वो अच्छा लगता है कि आप तेज खेल रहे हैं, मजा आता है चौके छक्के देख के, लेकिन टेस्ट क्रिकेट है ना, तो थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट की तरह भी आप खेलें। अब 100 के स्ट्राइक रेट से तो टेस्ट क्रिकेट में और तो कोई भी पूरा थ्रू आउट करियर नहीं खेला, सहवाग 82 के स्ट्राइक रेट से खेला है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप विकेट बचाना जरूरी होता है, यू नीड टू, इफ यू वांट टू प्ले फास्ट तो उसमें रिस्क तो रहता ही है, फिर ज्यादा फिर आप अननेसेसरी शॉट्स खेलने की भी कोशिश करते हैं, गेंद को उसके मेरिट पे भी समटाइम्स नहीं खेलते, तो विकेट गिरने का ज्यादा खर्चा रहता है। तो इन सब में से ज्यादा जो मुझे सेंसिबल नजर आया है वो जायसवाल नजर आया। जायसवाल ने देखिए जब डबल 100 भी किया है तो बीच में देवर अ फ्यू फेजेस कि जब एंडरसन ने बहुत एक्यूरेट लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग की है, लेकिन उसने उसको रिस्पेक्ट दी है, जो बाकी सबको मार रहा है, चौके मार रहा है, छक्के मार रहा है, तो आना तो है, तो बच्चा ही कौन सा जायसवाल कोई 40 का हो गया, लेकिन
उसने कहा, समझा कि यार थोड़ा सा अगर इसको वट एवर अच्छी लाइन और लेंथ एक्यूरेसी से बॉलिंग कर रहा है एंडरसन या थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है, तो मैं अपनी ईगो को दबा के रखूं, इसका ये वाला जो स्पेल है इसको मैं बस देखूं, और बाकियों से जो अच्छे रन आ रहे हैं तो ये दोनों एंड से तो बॉलिंग नहीं कर रहा कि मुझे अननेसेसरी इसके खिलाफ भी वो शॉट्स खेलने हैं कि जो कि नहीं खेलने चाहिए, तो उसमें वो बड़ा समझदार नजर आया। उसका उसको रिवॉर्ड भी मिला है, उसका रिवॉर्ड उसने 200 100 किए हैं इस सीरीज में और 700 से ज्यादा रन्स किए हैं। तो ये वाली जो बात है ये मुझे उसकी बहुत पसंद आई है कि अपनी विकेट को इतनी आसानी से वो नहीं जाने देता और लंबा शो करता है, और अगर उसका दिन हो अब यहाँ पे, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि यही मौका था कि मजीद इस सीरीज को मेमोरेबल बना लेता, एक और शो कर लेता, लेकिन ओवरऑल वो उसमें ये ज्यादा सेंस नजर आई है। सरफराज डोमेस्टिक में तो हमने देखा ही है कि 100 पे 100, 150, 200, 100, 100, 100, लेकिन थोड़ा सा फर्क है ना इंटरनेशनल डोमेस्टिक में, तो वो देखना पड़ेगा कि आप वहां पे 100, 150, 200 करते हो डोमेस्टिक में इसी तरह तेज खेल खेल के, तो इंटरनेशनल में फिर आपकी गरारी 50 तक आके रुक जाएगी, अगला 50 फिर आप मतलब तरीके से करना होगा। अगर 100 तक इंटरनेशनल में पहुंचना है तो फिर आपको और ज्यादा बेहतर खेलना पड़ेगा। अच्छा फ्लुएंट नजर आ रहा है, मतलब खेल रहा है, तो थोड़ा सा 100 के स्ट्राइक रेट से 50 की बजाय 50 के स्ट्राइक रेट से 100 ज्यादा अच्छा होता है टेस्ट क्रिकेट में। बाकी डिपेंड्स के सिचुएशन क्या है, आई एम टॉकिंग जनरली कि जो कन्वेंशनल बैटिंग करते हैं आप पहले इनिंग्स में या दूसरी इनिंग में। बशीर बोल्ड ऑलमोस्ट 50 ओवर्स, बस भाई फिर अब वो बेचारा भी अब सोच ही रहा होगा कि वो जो शुरू में मेरा वीजा थोड़ा डिले हो गया था, थोड़ा और ही डिले हो जाता तो अच्छा था। आपको भी यही कह रहे हैं ना कि अगर उसने 5 विकेटें ली है 50 ओवर तो आप डालें तो आप भी ले जाएं, वो इस सेंस में कह रहे थे अच्छा वो भाई। कह हाँ यही सवाल था इनका, अब उन्होंने थोड़ा रहे क्लियर कर दिया, आप थोड़े भाई। अच्छा, जज्बाती हो गए थे उस वक्त, अब उन्होंने और इसको क्लियर किया, अब यानी पचास ओवर 50 ओवर तो कोई डालेगा तो 5 विकेटें तो मिल ही जाएंगी, वो ये कहना चाह रहे हैं। पचास ओवर तो भाईजान फिर मुझसे तो 5 दिनों में ही जाए शायद जाके पूरे हों। यार आप तो वसुद ब्लेम आर करते हैं, सर आप बॉलर हैं। नहीं भाई वो जमाने निकल गए हैं अब इतने बॉलिंग करने के। वैभव गुप्ता जी कह रहे हैं, सर अश्विन मच बेटर विद ओवर द विकेट, आई टोल्ड यू अर्लियर टू दैट ही इज वेस्टिंग हिज डिलीवरीज इन सो मेनी मैचेस बॉलिंग अराउंड द विकेट। वेल यार देखिए गुप्ता आज साहब देखे, ये बॉलर जो होता है ना, ये बॉलर जो देखे पैचेस होते हैं समटाइम्स, हमें नहीं समझ आती कि वो क्यों कर रहा है, लेकिन जो बॉलर होता है, अश्विन की इतनी विकेटें हैं तो अश्विन को पता कि बॉल वो क्यों कर रहा है राउंड द विकेट। एट टाइम्स वो सक्सेस नहीं आ रही होती, लेकिन उसके सर्टन रीजंस होते हैं। बात बिल्कुल सही है, बात बजा है कि आई थिंक हमें अश्विन को इतनी लिबर्टी तो देनी चाहिए कि 500 टेस्ट मैच की विकेटों के बाद कि अब वो जहां से डिसाइड कर रहा है बॉलिंग करनी है राउंड द हाँ विकेट ओवर द विकेट वो वहीं से कर ले, कुछ ना कुछ तो वो सोच ही रहा होगा। बाकी चले ठीक है, हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है, आपकी भी ओपिनियन आ गई। रवि कह गुफे, रहे हैं मौसम भाई फरंगियों से पाकिस्तान का बदला भी ले लिया जी हमने। यार बहुत शुक्रिया रवि भाई, आप तमाम दोस्तों का, ये आपने बहुत कमाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तो 3-0 फेंड दिया था उन्होंने, मुल्तान पिंडी और कराची की पिचों में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। भाई आप बड़े भाई का नाते हमारे सारे बदले पूरे करने पड़ेंगे आपको, ऑस्ट्रेलिया को भी और न्यूजीलैंड को भी और जिस जिसने हमें हराया है, तो आप बस बदले पूरे करते जाएं, लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन ये इंग्लैंड वालों ने ज्यादा बुरा हाल किया था हमारा, लिस्ट है कितने की कुछ लिस्ट रह तो बनाए, नहीं गया, इसलिए आप सब डाल लें। हाँ कुछ रह तो नहीं गया। सवाल जो मैंने किया था बाबर आजम से ये इंग्लैंड वाली सीरीज पे ही, भाईजान आप उसकी कप्तानी ले गए, ये रह गया था। मैं कहां ले गया, वो उसकी अपनी हरकतें ले गई कप्तानी। लेकिन रिजवान साहब देखे, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में आप उसको
मार्जिन देना पड़ेगा बिकॉज ही वॉज मेंटली डिस्टर्ब बाय जक्का एंड हिज क्रोनीज। लेकिन आप चले आईपीएल ही सही, पीएसएल ही सही, आगे आने दे, देखना वो अच्छा करेगा। और मैं समझता हूं उसको ये अगर प्लेट में रख के भी कहे ना कप्तान बन, और उसमें इतनी सी भी अक्ल हुई तो कप्तानी नहीं लेनी चाहिए उसे। हाँ नहीं, अब क्या कप्तानी लेनी है, अब तो थोड़ा वैसे ही खेले, अब तो वैसे ही खेले, अब क्या कप्तानी लेनी है। अच्छा जी पढ़े भाई, मैसेज आपके लिए आया है। प्रवीण शर्मा कहते हैं मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूं, मोहसिन सर आपको टेंस मैं नहीं देख सकता, आप मस्त रहा करो। यार आप यकीन करें मेरे भाई प्रवीण शर्मा साहब, ये अल्लाह की बड़ी कुदरत है, बड़ी करम नवाजी है। ड्यूरिंग माय वर्स्ट टाइम्स, देखे वालिद के बाद बहुत सारे मुश्किल घड़ियां आई, 22-22 घंटे, 24-24 घंटे भी कई दफा काम किया, मैं उस वक्त भी टेंस नहीं हुआ। बिजनेस में मुझे पै दर पै लॉसेस हुए, अल्लाह ने मुझसे 6 बच्चे मेरे वापस छीन लिए, भाई की डेथ हो गई, अभी देखे भाभी की डेथ हो गई, वाइफ इतनी खतरनाक बीमारी का शिकार रही, लेकिन मैं सिर्फ उसके आगे और उसका हमेशा शुक्रगुजार रहता हूं, मैं टेंस नहीं होता। ये आपको वैसे ही गलत है, मैं तो वो आदमी उठा करके बात मुंह पे मार देता हूं। इट्स फाइन, कुछ ऐसा वैसा नहीं है, कोई टेंशन, अल्लाह माफ करे, कोई टेंशन अल्लाह ना करे, कैसी टेंशन, बड़ी करम नवाजी आपकी दोस्त मोहब्बत है। अजय सबगर जी सेम स्टोरी अगेन, ये तो यार वो भाई ने पूछा है तो मौसम साहब ने बताया, वरना इनको क्या जरूरत है सेम स्टोरी अगेन अगेन क्या, कि ये ही कि मैं ये था वो था ऐसा हुआ या ये हुआ बचपन से ऐसा हो गया ये हो गया वो हो गया। तो अजय साहब अब मैं बड़ा तो ऐसा नहीं हुआ था ना, अगर आप ऐसे ही पैदा हुए थे तो मुझे पता नहीं, अब पता नहीं कौन सा अजय है ये। तो नहीं कोई टेंशन टूंशन नहीं है, वैसे ही थोड़े टेढ़े टेढ़े लग रहे हैं, शायद नींद पूरी नहीं होती आजकल इनकी, नींद तो बिल्कुल ही नहीं हो रही आजकल, आपको पता है कितना लंबा दिन होता है हमारा, तो शायद ये वजह है, अदरवाइज तो कोई टेढ़ा टेढ़ा वो एनर्जी नजर नहीं आ रही, वो थकावट सी कुछ ऐसा। यार इतना पुरसकून मैच चल रहा है तो इसमें मैं क्या डालूंगा मुझे बताने की कोशिश कर, ये कहां इंग्लैंड कहां बेसबॉल निकालो, कौन कह रहा था ये वो, नहीं ये मैच खत्म होगा तो कहेंगे, मैं थोड़ा मार्जिन रख रहा हूँ। आई डोंट वांट, दिस इज द प्रॉब्लम ना, आप ये कहते 255 की लीड पे भी मैं कह रहा था ये इंडिया का मिनी क्लैब्स है, दोस्त उसको भी नहीं मान रहे थे, अब दोस्त नहीं मान रहे थे ना, ये तो 45 रन आए तो एक रिस्पेक्टेबिलिटी आ गई, 255 की लीड हो गई थी, 210-12 पे इंग्लैंड मेरा ख्याल है बड़ा मुतमईन रहता कि इस पोजीशन से जहां पे पूरे सेशन में विकेट ही नहीं आई 129 रन बने। अनिंदिया सुंदर दास जी कह रहे हैं हेलो सर, आई एम ए बिग फैन ऑफ बोथ यू बोथ ऑफ यू सर, इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज विजिट इंडिया, इट्स माय ड्रीम टू मीट बोथ ऑफ यू, माय होम टाउन इज कोलकाता, और यू लुकिंग लाइक अ बॉलीवुड हीरो, मोहम्मद चलो यार आपको हीरो ही कहते हैं, हमें तो ज्यादातर विलन ही बनाते हैं। विलन का रोल ना हो फिल्म में तो हीरो भी कोई खास, लेकिन आई डोंट वांट टू बी विलन ना, मैं विलन बनना नहीं चाहता, तो बस भाई बॉलीवुड हीरो की तरह दिख ही रहे हैं, कोई मतलब कोई वहां, चलो जी फोर्स को बोल्ड करके पांजा लगा गया अश्विन, फाइफर फॉर अश्विन, कमाल है भाई कमाल है। तो कुलदीप ने फाइफर लिया पहले इनिंग में, इसने 4 आउट किए अभी ये, तो भाई ये तो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनता जा रहा है प्लेयर ऑफ द मैच का, अभी 4 विकेट बाकी हैं, अगर उसमें से भी कोई हासिल कर ली कोई एक दो तो मैच में 10 विकेट। सुंदर दास तो मेरा ख्याल है यादगारी हो गया, 9 विकेट आ चुकी है अभी तक, 6 में से 5 और पहली में 4 आई थी, हाँ 10 होने वाली। तो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का जी, इंशाल्लाह किस्मत की लकीरों में लिखा होगा तो कभी जरूर आएंगे, कभी जरूर फिर आपसे मुलाकात होगी। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें आप हमेशा,
सो नाइस ऑफ यू। 36वां फिफ्थ विकेट ऑल है अश्विन का। मिश्रा साहब अपडेट कर देते हैं हमें, थैंक यू मिश्रा साहब। दैट्स अमेजिंग जी, तो क्लूलेस चल रहा है इंग्लैंड, और इनिंग्स की डिफीट ही आनी थी, और अभी तो खैर तो ये पहला इंडियन होगा जिसका 10वां 10 विकेट ऑल आ गया और 100वें टेस्ट में। तो जो आखिरी टेस्ट मैच है वो सबसे शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच है, तो ऐसे जाके फॉर्चून चेंज हो रहे हैं। इंग्लैंड के बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। मैच तो ठीक है, नेक्स्ट 3 महीने की करना है जी। हूं आईपीएल थम्स डाउन अजय साहब, आईपीएल तो बाद वर्ल्ड कप भी है। हाँ लेकिन वो कह रहे हैं 3 महीने 2.5 महीने तकरीबन, सवा दो महीने अब आईपीएल है, तो अब कोई चारा नहीं है ना अजय साहब उसके बिना। और पहले कोई पाकिस्तान कोई चला जाता था जिम्बाब्वे जम्बुवे खेलने के लिए ड्यूरिंग द आईपीएल, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स तो होते नहीं है उसमें, तो चलो जो इधर जिम्बाब्वे जम्बुवे निकल गए, कोई इधर उधर कोई हल्की फुल्की सीरीज खेल ली, तो उसमें से भी काफी क्रिटिसिज्म होता जी, ये पाकिस्तान तो जिम्बाब्वे नाल ही खेलता रहता है, तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट तो होती नहीं है, तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। उसमें देखिए क्रेज जो है रहता तो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहला हफ्ता 10 दिन लोग बहुत शौक से देखते हैं, और वीडियोज भी जिस तरह हम बनाते हैं तो उससे भी अंदाजा हो जाता है, और फिर वो जो करीब जाता है ना टाइम प्ले ऑफ के करीब करीब, तो तब दोबारा इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है लोगों का, वरना रोज रोज डेली मैच कभी फिर दो दो मैच भी, तो वो कुछ ना कुछ लोगों का इंटरेस्ट लूज हो जाता है। ये वही है अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, जो वही वाली बात है, आपको आपकी फेवरेट गजा या डिश या जो भी आपका खाने का मन होता है फेवरेट जो है, आपको डेली वही मिले, तो फिर आप एक स्टेज आते हैं यार कुछ और भी होना चाहिए यार, तो वो वाली फीलिंग आ जाती है बीच बीच में। और बाकी लीग्स की बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट का बिल्कुल सही ज्यादा मजा आता है, लेकिन लीग्स कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बाकी क्रिकेट छोड़ो यार, बस ये लीग क्रिकेट जो आईपीएल दिखाओ हमें या पीएसएल दिखाओ, तो एंजॉय करें जो भी है, तो आप भी फिर एंजॉय करें जो मैच में बाकी कुछ रह गया, मिलते हैं फिर आपसे। फैमिली ने खड़े होके बॉल दिखाई इसने और फैमिली ने खड़े होके बैठी हुई है फैमिली अश्विन की वहां ग्राउंड में, वेल डन अश्विन। 4 विकेट बाकी हैं, तो देखते हैं कब होती है आपसे फिर मुलाकात, वो ही टी पे या उससे पहले, ख्याल रखिए फिर अपना। संदीप पंत कहने जी जी बहुत वो शानदार फील्डर, अच्छा है, बॉलिंग भी कर रहा है बैटिंग भी करता है, तो ही इज 3-in-1, ही इज गुड। बस रूट को आउट करने की देर है, रिजवान साहब एक प्लेयर पिक किया था वो रूट किया था, इसका ही होता है कि ये आउट हो जाता है तो बस समझे टाटा बाय बाय। ठीक है दोस्तों, देखो फिर मैच, और लाइक और सब्सक्राइब आपको हम भूल जाते हैं कहना, आपने खुद से कर देना होता है वीडियो को, तो फौरन से लाइक, देखिए इतनी सारी बातें ठीक हुई है, तो फिर आपको लाइक तो करना चाहिए कि नहीं, लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, और वो व्लॉग वाला चैनल भी जाके देखिए रिजवान अदर व्लॉग्स। मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय।